गाइस 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के डिसीजंस को ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है और पीटीआरसी की डेट को एक्सटेंड कर दिया है विदाउट लेट फीस फॉर एनी पीरियड। नोटिफिकेशन का लिंक आई बटन पर लग जाएगा। गैजेट ऑफ इंडिया में 24 जून को पार्ट 2 सेक्शन 3 में चेंजेस को नोटिफाई किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में एंड अदर लॉज में। सेकेंड पॉइंट रीड करो, 31 मार्च 2021 मतलब पैन और आधार लिंकिंग की डेट को एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2021 तक। और इनकम टैक्स एक्ट में नंबर वन, जो आप आईटीआर फाइल करते हो अंडर सेक्शन 139 उसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया है। ध्यान से समझना, क्लोज ए फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 की आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट और आईटीआर को रिवाइज करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया है 31 जुलाई 2020 तक। क्लोज बी, इसमें एक और पॉइंट भी बताऊंगा, फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है 30th नवंबर 2020। मतलब अगर आपके केस में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं थी तो ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2020, उसको एक्सटेंड किया 30th नवंबर 2020 तक। और अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल थी, ड्यू डेट थी उस केस में 31 अक्टूबर 2020, 30 सितंबर नहीं थी, 31 अक्टूबर को एक्सटेंड करके किया 30th नवंबर 2020। एक्ट में बजट में इसका चेंज आ गया था इस डेट का। सेकंड, टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न जो आप सब सेक्शन 2A और सब सेक्शन 3A में आप फाइल करते हो फॉर क्वार्टर एंडिंग जैन टू मार्च 2020 के लिए एंड डेट को एक्सटेंड कर दिया है 15th जुलाई 2020। और अगर आपकी टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न अंडर सब सेक्शन 3 में है तो क्वार्टर एंडिंग जैन टू मार्च 2020 के लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया 31 जुलाई 2020। टीडीएस के सर्टिफिकेट जो आपको सैलरी में देने हैं वो आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है 15th अगस्त 2020। कैपिटल गेन के सेक्शन 54 और 54 GB की कंप्लायंस डेट लास्ट डेट को एक्सटेंड किया 30th सितंबर 2020 तक। नेक्स्ट, फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 80C to 80U फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 31 जुलाई 2020 तक। नेक्स्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 के लिए डेट थी हमारी 30th सितंबर। जी हां, 30th सितंबर, इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है 31st अक्टूबर। फिर बता देता हूं, एक्ट में ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर फाइलिंग के लिए डेट को अलग अलग कर दिया है, तो आप इसको समझ लेना। अब क्लोज बी जो मैंने ऊपर दिखाया था उसके लिए एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग जो सब क्लोज बी और क्लोज वन में हमने देखा, दिस शैल नॉट अप्लाई टू सेक्शन 234A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स on total income as reduced by clauses 1 to 6 of subsection 1. Total income पर जो आपका total tax बनेगा, less advance tax, less TDS, less या already कोई self-assessment tax जमा करवाया हुआ है, उसको less करने के बाद अगर वो amount आता है up to rupees 1 lakh, including 1 lakh, तो उस case में extended due dates तक कोई भी interest नहीं लगेगा। मतलब अगर टैक्स 1 लाख से ज्यादा का होता है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, मतलब आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा ओरिजिनल ड्यू डेट्स तक। मतलब अगर नॉन ऑडिट का केस है तो 31 जुलाई 2020 तक, उसके बाद करवाओगे और टैक्स 1 लाख से ज्यादा है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आपका ऑडिट का केस है तो आपके लिए ड्यू डेट है 31 अक्टूबर, तो अगर आप उस 31 अक्टूबर के बाद करवाओगे और टैक्स 1 लाख से ज्यादा है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। एक बात और बता देता हूं, रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% अब एप्लीकेबल नहीं होगा 30 जून के बाद, चाहे टीडीएस है, चाहे टीसीएस है, चाहे सेल्फ असेसमेंट टैक्स है या कोई भी टैक्स है, रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम की डेट को एक्सटेंड कर दिया है 31 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी 30th जून 2020 तक। और गाइस, वीडियो को 2 घंटे हो गए मुझे शूट किए हुए, बट बार बार मुझे फोन आ रहे थे, मैं इसको अपलोड ही नहीं कर पा रहा था, एंड सॉरी कि मैंने लेट काफी शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, और कुछ भी गलती होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना सो दैट आई कैन रेक्टिफाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।